मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर एक साथ राम की पैड़ी पर दीप जलाने का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। अवध विश्वविद्यालय ने पिछला अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, 4,10,000 दीप जलाकर टूटा रिकॉर्ड। पिछली बार 3,21,000 दिए जलाकर बना था रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के टीम ने की घोषणा। सीएम योगी ने सभी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बधाई दी। इस अवसर पर राम कथा पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद भारत के सांस्कृतिक सम्मान को विश्व में पुनर्स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में ऐसी दिवाली मनाने में 70 साल लग गए। पहले की सरकारें अयोध्या में आने से डरती थी, लेकिन मैं पिछले 2.5 साल में करीब 1.5 दर्जन बार अयोध्या आ चुका हूँ, और जब भी आता हूँ जनता के सहयोग से करोड़ों की योजनाओं को लोकार्पण करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के दीपोत्सव को राज्य मेला का दर्जा दिया, जिससे अयोध्या अपने गौरव को प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस तरह का आयोजन करने के लिए प्रदेश सरकार व सभी अधिकारीगण बधाई के पात्र हैं। इसके पहले शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता का रूप धरकर कलाकार रामकथा पार्क पहुंचे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित बड़ी संख्या में मौजूद अयोध्यावासियों ने उनका स्वागत किया और मंच पर गुरु विशिष्ट के रूप में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका राज तिलक किया। इस दौरान अयोध्या का माहौल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस आयोजन में अवध विश्वविद्यालय समेत विभिन्न कॉलेजों के बच्चों ने राम की पैड़ी पर 4,00,000 दीप जलाए। वहीं 14 मठ मंदिरों को करीब 1.5 लाख दीपों से रोशन किया गया।